हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में आपसे हम बात करेंगे आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होना है वह आपका 22 जून से होना प्रस्तावित किया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके 22 जून से होंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है इसके पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है जो कि आप लोग नहीं भरते, आपके कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। बट उस एग्ज़ाम फॉर्म को आपको अपने प्रिंसिपल सर से वेरीफाई कराना होता है, या अगर आपका उसमें कोई त्रुटि है, जैसे कि मान लीजिए आपका उसमें ये गलती हो गया कि आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आ गई, बहुत से स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका जन्मतिथि गलत हो गया है, किसी का नाम गलत हो सकता है, किसी के मम्मी पापा का भी नाम गलत आ सकता है। तो आप एक बार अपने एग्ज़ाम फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, अपने एचओडी सर से बात कर लीजिएगा या आपस में कि सर जो एग्ज़ाम फॉर्म मेरा फिल हुआ है उसमें मेरी ये गलती हो गई है, तो आपका ऑटोमेटिक सही कर दिया जाएगा। तो उसकी जो डेट है वो आ चुकी है, साथ ही साथ जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 जून से उसकी भी डेट आपकी आ चुकी है, तो उसके रिलेटेड कुछ जानकारी भी आपको दी जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए छुट्टी के दिन आपका एग्ज़ाम पड़ गया है तो आपको क्या करना है, ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। सो चलिए देखें, बताते हैं जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड जानकारी आई है इसके बारे में बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो भी एग्ज़ाम फॉर्म है आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्ज़ाम के वास से भरे जाने हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि पॉलिटेक्निक में 9 से 15 मई के बीच जो है आपका पोर्टल ऑन कर दिया गया है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, जिसमें आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन ही जमा किए जाएंगे। इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि नाम कुछ गलत हो गया, रोल नंबर गलत हो गया, ये सब भी जानकारी आपको उसमें फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इस फॉर्म को प्रिंसिपल सर से सत्यापित करते हुए जमा करवाना है ताकि आप देख सकें कोई कमी नहीं है। आपको प्रिंसिपल सर से सत्यापित भी कराना है, साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि जो प्रिंसिपल सर हैं आपका सारा डेटा चेक करें। ये जो मेन काम होगा आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो आपके एचओडी हैं, वो करने का काम करेंगे। स्टूडेंट की मार्कशीट व डिप्लोमा में रिकॉर्ड गलत होने पर प्रधानाचार्य की ही जिम्मेदारी होगी, आपकी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी। तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 9 से 15 मई के बीच फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टाइम टेबल, जो जिसे आप बोलते हैं संभावित टाइम टेबल, जो कि 22 जून से एग्ज़ाम होना है, यह भी आपका साइट पर अपलोड हो चुका है। 4 मई को ये अपलोड हो चुका था, आप उसने उसको देखा भी होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि छुट्टी के दिन आपका एग्ज़ाम पड़ गया है या लगातार कोई गलत कोड वाला पेपर आ गया है, तो आप अपने एचओडी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी टाइम है, एचओडी को आप बता दीजिए कि सर छुट्टी के दिन मेरा एग्ज़ाम पड़ गया है, संडे की छुट्टी मुझे नहीं मिली है, या किसी पेपर का कोड गलत मिल गया है, तो आपके एचओडी सर जो है बोर्ड को नोटिस भेज के उसको सही करा सकते हैं। तो ये काम आप अपने एचओडी सर से कह के करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट बैक वाले थे, जिनका बैक वगैरह लगा था, उसका भी परीक्षा के फॉर्म भरने की डेट भी जो है वह भी जारी कर दी गई है। इस बार जो रिजल्ट था आपके डिप्लोमा का, आपको पता है ये 30 से 40% इस बार रिजल्ट आया है, केवल 30 से 40% बच्चे ही पास हुए हैं। इस साल बहुत से स्टूडेंट का बैक हुआ है, ये क्यों हुआ है, वो जो रिजल्ट है वही इस बार डिप्लोमा ने दिखाया है। ये नहीं है कि हम लास्ट समय में पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। जो नए आपके मंत्री बैठे हैं काफ़ी सख्त हैं, इसलिए आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जो बैक के स्टूडेंट हैं, जो इनका बैक लगा है, उनका भी परीक्षा फॉर्म भरने का जो डेट है वह जारी कर दिया गया है। ठीक, और ये जो है 15 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये थी आपके थोड़े एग्ज़ाम से रिलेटेड और सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। सो आप अपने सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा ताकि उनका अगर किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्टूडेंट एचओडी सर से जल्द कांटेक्ट कर सकें। सो मिलेंगे आपसे आने वाली हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।